लालकुआ नगर पंचायत में नए ईओ के चार्ज को संभालते हुए राहुल कुमार ने नगर पंचायत क्षेत्र में फैल रहे डेंगू के लिए चिंता जताते हुए क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण व डेंगू की रोकथाम के लिए त्वरित कार्रवाई की बात कही है। बताते चले कि लालकुआ में पहुंचे ईओ राहुल कुमार ने अपना चार्ज संभालते ही पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि क्षेत्र की प्राथमिकताएं तय करते हुए कार्य किए जाएंगे। वही उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत क्षेत्र में पॉलिथिन की रोकथाम के लिए कार्रवाई की जाएगी ताकि पर्यावरण को हो रहे नुकसान को रोका जा सके। वही उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारियों के निर्देशों का पालन करते हुए नगर क्षेत्र में उचित कार्य किए जाएंगे और सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान दिया जाएगा। वही ईओ राहुल कुमार ने कहा कि नगर अध्यक्ष व वार्ड के सदस्यों से जल्द मुलाकात कर क्षेत्र का फीडबैक लिया जाएगा। वही पूर्व में नगर पंचायत में हुए वित्तीय अनियमितताओं के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी में अभी यह नहीं है तथा समय रहते जानकारियां जुटाई जाएगी व नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे चार्ज ग्रहण किया है। मैं फिलहाल अभी तत्काल में, जैसा कि मेरे जानकारी में आया है कि एक वार्ड है हमारा 2 नंबर जिसमें डेंगू के काफ़ी केसेस हैं, तो अभी थोड़ी देर में मैं वहाँ भी देखने के लिए जाऊँगा कि ऐसा पर्टिकुलर एक ही वार्ड में ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि मुझे बताया गया कि सफाई व्यवस्था की स्थिति ठीक है। तो थोड़ा सा मैं उसका भी निरीक्षण करूँगा और फिर उसके बाद, अभी अध्यक्ष जी से मुलाकात नहीं हो पाई मेरी, अध्यक्ष जी और अन्य सभासदों से, आप लोगों से और भी जानकारी मैं जुटा रहा हूँ कि हमें किन किन क्षेत्रों में और प्राथमिकताएं तय करनी है। जैसे मुझे बताया गया कि सफाई में काम हो रहा है, यहाँ पे अच्छा काम हो रहा है और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार हमें इसमें और बेटर करना है। पॉलीथीन को पूरी तरह रोकना है पर्यावरण के लिए, जिस तरह से उस नुकसान उससे पहुँच रहा है माननीय न्यायालय की प्राथमिकता में है और न्यायालय के निर्देशानुसार कमिश्नर सर और DM साहब भी उसको काफ़ी महत्व दे रहे हैं, तो उनके निर्देशानुसार जैसा होगा, जैसे निर्देश मिलेंगे उनका पालन किया जाएगा और शहर के लिए और जैसा बेटर होगा वो मैं पूरा प्रयास करूँगा। मुलाकात नहीं हो पाई है मेरी, तो मैं बोर्ड के सदस्यों से भी एक बार मिल के क्या पब्लिक का फीडबैक, शहर की जानकारी, वो सब मुझे उन्हीं के थ्रू मिल पाएगी तो तय कर पाऊँगा। अभी तो फिलहाल मेरी ऐसी जानकारी में नहीं है और बिना जानकारी के मेरा इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। जैसे अगर कुछ इस टाइप की चीज़ें जैसे आपने जिक्र किया है सामने आएंगी तो फिर उनके मंसर उसमें क्या की जाएगी जी।